आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों में हम यूनिट डिजिट याद करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताएंगे कि कैसे यूनिट डिजिट का हम कुछ सेकंडों में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है 327 की घात है 640। ठीक है, अब इसमें हमें यूनिट डिजिट याद करने के लिए केवल इकाई अंक ही लेंगे, तो यहाँ पर 7 की घात हम ले लेंगे 640। ठीक है, अब 7 की घात 640 लेने के बाद में इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो घात होती है इसमें हम 4 का भाग देते हैं पहले। ठीक है, तो 4 का हम भाग देंगे, 7 की घात यहाँ 4 लगा देंगे और इस घात में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचे, 6 चौक 24 और भाग टूट की 0। ठीक है, तो अपने पास में इस संख्या के अंदर जो 7 की यहाँ घात बची है वो बची है 0। ठीक है, तो घात बची है इसका मतलब है कि यहाँ अगर कोई भी घात 4 से पूर्णतया विभाजित शेषफल नहीं बचता हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसमें स्थिति आपको बता देते हैं कि यदि 4n+4 हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अब 4n+4 का मतलब है कि 4 यहाँ पर 4 है और ये n है और शेषफल भी अगर 4 बचता हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1। शेषफल 1 हो या 0 हो, दोनों में से 1 हो। ठीक है, उसके अलावा 4n+1 अगर बचता है हमारे पास में शेषफल, यदि 7 की घात है और 4 का पूरा भाग देने के बाद में 1 शेषफल बचता है तो वहां पर इकाई अंक 7 होगा। और अगर 4n+2 हमारे पास 2 घात शेष बचती है साथ में तो उसका इकाई अंक 9 होगा। और 4n+ यदि घात से जो घात शेष बचती है वो 3 बचे तो इकाई अंक 3 होगा। तो ये 7 के जो सभी घातों के नियम है, ये पहला प्रश्न है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इसमें भी इकाई अंक कितना है, 7 है और यहाँ पर भी 753 अपने पास में इसकी घात है। इसमें भी हम 4 का ही भाग देंगे, 7 की घात 4, 4 एकम 4, 3 बचे तो 8 चौक 32, उसके बाद फिर 3 बचे फिर 8 चौक 32 गुणा 7 की घात 1 हमारे पास में शेष बच गई इसमें। अब 7 की घात 4 हो है, यहाँ पर पूर्णतया भाग जा रहा है तो इसमें क्या बचता है, इसमें 1 आता है हमारा इकाई अंक गुणा यहाँ शेष घात को भी इसके गुणा में रखेंगे तो 7 एकम 7, तो इसका जो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से आगे हमारा सवाल है 13 की घात 2003 है तो 3 की ही घात लेंगे सिर्फ हम 2003, तो ये जो 4 का भाग देते हैं घातों में ये सिर्फ 2, 3, 7 और 8 इन्हीं संख्याओं के लिए ले देते हैं। अगर इकाई अंक ये हो तो इन्हीं संख्याओं के लिए 4 का भाग देते हैं और संख्याओं के अलग नियम हैं जो आपको हम अलग वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 3 की घात 4 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि भाग देते हैं तो जो भागफल होगा यहाँ होगा और वापस अगर गुणा करेंगे तो घात वही आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 और 5 20। ठीक है, उसके बाद में इसमें भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की 0। फिर अगली संख्या ली 3, तो 3 में भी भाग नहीं जा रहा तो फिर भाग टूट की 0। तो शेष क्या बची है, 3 की घात 3 बची है तो 3 की घात हम लगा देंगे यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार है कि यदि 3 की घात जो है 1 हो, सम हो, ठीक है, 1 हो, 3 की घात सम नहीं 1 हो, तो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक क्या आएगा, 3 की घात में 3 आएगा। और या फिर कहें कि 4n+1 हो तो 3 आएगा और 4n+ मतलब शेष बचनी होनी चाहिए ये घात, 2 हो तो इकाई का अंक 9 आएगा और 4n+3 हो तो इकाई का अंक 7 आएगा और 4n+4 हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर तो 4 का पूर्णतः भाग जा रहा है तो इसमें तो कितना आएगा, इसमें तो 1 आ गया गुणा 3 की घात 3 है तो 4n+3 बच रही है तो इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर भी इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, हमें 7 ही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है 22 की घात 23 है तो यहाँ पर हम इकाई अंक याद करना है ना, तो इकाई अंक लेंगे सिर्फ, उसके बाद में 2 की घात 23 लगा देंगे। अब इसमें भी ये जो है 2, 3, 7 और 8 में ही हम घातों में 4 का भाग देते हैं और शेष बचती है उसका, इसके अनुसार हम देख लेते हैं कि कौन सा आएगा इकाई अंक। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो
तो 2 की घात 4 और 4 5 20, ठीक है। गुणा में कितना बचा, शेष कितनी घात बची, 3 घात बची, तो 2 की घात 3 बची है। अब यहाँ पर 2 का भी नियम है, 2 का अलग नियम होता है, तो 2 की घात अगर कोई भी n 2 की घात सम है, सम नहीं एक है, अगर 2 की घात 1 शेष बचती है तो इसका इकाईक एक आएगा, या फिर कहें कि 4n+1 बचता है तो 2 आता है, 4n+2 बचती है तो 4 आएगा, 4n+3 बचती है तो 8 आता है, और 4n+4 मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है इसमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई थी, यहाँ तो इकाईकांकी क्या आएगा, यहाँ तो 6 आएगा, ठीक है। गुणा 2 की घात 3 है तो इसमें कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48 होता है, 8 छंग 48 हो गया, तो 48 में हमारे पास में इकाईकांकी क्या है, 8 है, तो 22 की घात 23 में इकाई अंक, ये हो जाएगा 48। तो आज की इस वीडियो में 4 प्रश्न बताए हैं इकाई अंक से संबंधित। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।